This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माइक ऑफ रखना है, सभी बच्चों को माइक ऑफ रखना है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अब हम चीजों को समझते हैं। तो पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने जो है क्षेत्रमिति को क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, ध्यान से सुनिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अंतिम जो क्लास हुई थी उसमें समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालना पड़ा था और उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ा था, ठीक है? और उसी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है जटिल आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमने सीखा था। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों का समलंब चतुर्भुज जल्दी से, कि देख लूं मैं आप लोगों को कितना याद है, ठीक है? ये मैंने बना दिया एक समलंब चतुर्भुज। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज बना दिया मैंने, ए बी सी और डी। नीचे वाली भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, ऊपर वाली भुजा जो है 4 सेंटीमीटर, और ये भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, और बीसी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। तो आपको बताना है कि समलंब चतुर्भुज का पेरीमीटर कितना होगा। अगर किसी बच्चे को साउंड नहीं आ रही है तो आप रीज्वाइन करो, साउंड आएगी। कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो हम यहाँ पे चारों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, 4 प्लस 4 प्लस 6 सामने वाली भुजा, फिर ये करेंगे 4 प्लस 1 भुजा कितनी है, 3, ठीक है? तो जोड़िए कितना होगा, 4 और 6 10 10 4 14 14 3 17। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजा को हमने जोड़ दिया। अब अगर बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल के लिए हमें हाइट भी चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं किसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, समानांतर भुजाओं का जोड़। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी जोड़ेंगे, फिर इसका समानांतर कौन सा है, सी डी को जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, इनके बीच की दूरी जो हाइट है कितना है, एच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानांतर भुजाओं को जोड़ दिया हमने, उसको 2 से भाग दे दिया, गुणे में। यहाँ पे आप लोगों को क्या ये चीजें समझ में आ रही है, तो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है? ऊंचाई कितना यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। बताइएगा 6 4 कितना होता है, 10 बट्टा 2 गुणे 4। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, 10 × 2 = 20 cm², क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालता है, लास्ट क्लास में हम उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है? जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जैसे ये एक सरल आकृति है त्रिभुज, इसको मैंने जोड़ दिया एक किससे, चतुर्भुज से, ठीक है? तो इससे जटिल आकृति कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार की जो है जटिल आकृति बनेगी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी अगर हमें इस आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, तो हमें इन सरल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं कहता हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर² है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर² है, तो बताएंगे कि इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर इस त्रिभुज का 4 सेंटीमीटर² क्षेत्रफल है और इसका चतुर्भुज का 6 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ के ये जटिल आकृति बना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हम इनको जोड़ देंगे, 24 सेंटीमीटर² इनको जोड़ देंगे, तो 4 + 6 = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर², यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, और जब इनका क्षेत्रफल दिया है और इसी से ये मिलके बना है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या सभी बच्चों क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर है, बहुत ही अच्छा।
चलिए, तो अब हम लोग इसी पे आधारित एक क्वेश्चन, सर। इसी पे आधारित अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चैट सेक्शन को बंद किया हूं, आपको पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। रिकॉल क्वेश्चन है, ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है किसमें, पोल सेक्शन में, ठीक है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। अब देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि तीन आयत बन रहा है, एक ये आयत बनेगा और एक आयत यहां बनेगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसको मान लेते हैं आयत वन, आयत टू, आयत थ्री, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले आयत वन का निकालेंगे, फिर टू का निकालेंगे, फिर थ्री का निकालेंगे। तो दोनों तीनों का निकाल के क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। टोटल जितना क्षेत्रफल होगा वही इसका आंसर होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, मैंने इतना हेल्प आप लोगों को कर दिया है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, तीन आयत बन रहा है, तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक भी बच्चे ने अभी तक गलत आंसर नहीं किया, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे जो हैं, चैट सेक्शन ऑन कैसे रह गया यार, ओ सॉरी यार, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना। देखिए गलती से चैट सेक्शन ऑन रह गया और आप लोगों ने चैट सेक्शन में आंसर कर दिया। चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। दस, नाइन, बहुत अच्छा, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे, अब देखिए, तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे बड़े वाले आकृति को, एक जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालना। मैंने कहा कि पहले हम इस आयत वन का निकाल लेंगे, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2, तो हम कर देंगे 2। कितना होगा 4 गुने 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस छोटे वाले आयत का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइन मारा गया है, यानी जितनी लंबाई इसकी है इतनी ही लंबाई इसकी भी है, इसकी भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो अब इस तीसरे वाले आयत का अगर निकालेंगे तो इसकी भी लंबाई 4 और चौड़ाई 2, तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने आयत 3 का और आयत 1 का तो निकाल लिया, अब आयत 2 का निकालना है। तो आयत 2 के लिए आप ध्यान से देखेंगे, ये रेड लाइन कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, और ये वाली लाइन कितनी सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर का है, और ये वाली लाइन कितनी सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो टोटल ये लंबाई कितनी हो जाएगी, इस आयत की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 + 4 + 1, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 में 1 यहां से जुड़ेंगे और 1 यहां से जुड़ेंगे, ये वाली लंबाई 1 सेंटीमीटर और ये वाली एक लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई 6 हो गया और चौड़ाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, तो 5 × 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 × 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए, एक आयत का 8 सेंटीमीटर, दूसरे आयत का 30 सेंटीमीटर और तीसरे आयत का 8 सेंटीमीटर, और इस पूरे का निकालना होगा, तीनों को जोड़ देंगे, तो 30 और 8 कितना होता है, 38। 30 और 8 कितना होता है, 38, और 38 और 8 कितना होता है, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। संजय नाम से जो भी बच्चा है, अगर अनावश्यक बात करते हुए मैंने आपको दोबारा देखा, अनावश्यक मैंने दोबारा बात करते हुए आपको देखा, किसी से भी आपस में बातचीत नहीं करना है, तो मैं आपको सीधे क्लास से रिमूव करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपने समझ लिया कि इसका आंसर होगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग जो है एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, वो है सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल।
तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि क्या आपने इससे पहले सर्वांगसम के बारे में पढ़ाई किया हुआ है कि नहीं किया है। जो ने इससे पहले पढ़ाई किया हुआ है वो वाई टाइप करेंगे, जो नहीं किए हैं वो एन टाइप करेंगे। जो बच्चे भी सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल इससे पहले सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ाई किए हैं तो वाई, बहुत ही अच्छा। जो नहीं किए हैं वो ध्यान से सुनेंगे कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 5 रुपये का ये एक सिक्का है और एक सिक्का यहाँ पे और है 5 रुपये का, और कहता हूं कि क्या ये सर्वांगसम है, तो आप कहेंगे कि सर्वांगसम है। क्या कहेंगे आप? कि सर्वांगसम है। क्यों कहेंगे कि सर्वांगसम है? इसलिए कहेंगे कि सर्वांगसम है क्योंकि दोनों की जो आकार है, आकार यानी कि ये किस डिजाइन का है, गोला है कि चपटा है कि मोटा कितना है, तो इसको आकार बोलते हैं। तो दोनों की आकार जो है वो क्या है, बराबर है। अब आप आकार तो देख लिए कि दोनों गोला है, ठीक है, दोनों गोला है। अब हम देखेंगे कि दोनों की गोलाई बराबर है कि नहीं है, तो उसे कहते हैं माप, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो आप देखेंगे 5 रुपये के दोनों सिक्कों का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। यानी कोई भी आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब उसका आकार और माप दोनों ही बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सर्वांगसम है। अब बताइएगा, यहाँ पे मैंने बना दिया एक 5 रुपये का सिक्का और एक मैंने बना दिया 10 रुपये का सिक्का, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? जल्दी से बताएंगे, एक 5 रुपये का एक 10 रुपये का सिक्का, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जल्दी से बताएंगे, वजह क्या है? भाई दोनों तो देखने में सेम ही दिख रहा है, तो आखिर क्यों नहीं है? जल्दी से बताएंगे, आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी माप अलग है, यानी कि आकार तो सेम है, दोनों ही गोल है, लेकिन इसकी जो मोटा गोलाई है वो छोटा है, ये जो थोड़ा सा है बड़ा है। इसलिए 10 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के के सर्वांगसम नहीं होता। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सर्वांगसम वही आकृति होगा जिसका आकार और माप दोनों ही सेम होगा, ठीक है, जिसका आकार और माप दोनों ही सेम होगा वो सर्वांगसम होगा, और जिसका आकार और माप अलग अलग होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अब देखिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक कह रहा यहां पे लिखा गया है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव ही समान होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका ये मतलब है कि यहां पे मैंने बना दिया एक चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, एक चतुर्भुज बना दिया, यानी कि आयत बना दिया। क्या बना दिया? आयत बना दिया। और यहां पे मैंने एक और आयत बना दिया, ठीक है, एक और आयत बना दिया, ठीक है। इस आयत का नाम है ए, बी, सी और डी, ठीक है, और इस आयत का नाम है पी, क्यू, आर और एस। अब देखिए इस आयत की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, और इस आयत की भी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो अब मैं इसका एरिया निकालूं और इसका एरिया निकालूं तो बराबर आएगा। तो इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि अगर जब ये दोनों सर्वांगसम है, आप बताएंगे क्या ये दोनों सर्वांगसम है? क्या ये दोनों सर्वांगसम है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये दोनों सर्वांगसम है? है। क्यों है? क्योंकि देखिए AB के बराबर यहाँ पे दे रखा है PQ, अब PQ कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे BC के बराबर दे रखा है क्या, QR, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दोनों आयत है और दोनों की लंबाई चौड़ाई अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, आयत जो होगा ABCD जो होगा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किसके? आयत पी क्यू आर एस के होगा सर्वांगसम का ये चिन्ह है जो बीच में लिखे हैं, इसे सर्वांगसम कहते हैं। तो ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगर सर्वांगसम होगा तो इसका एरिया भी बराबर होगा। कैसे एरिया? ये सर्वांगसम का चिन्ह है ये, ठीक है। तो अगर बराबर होगा तो हम कैसे माने कि इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, बताइए कितना होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी निकालिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब दो आकृति सर्वांगसम होती है
तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है, यानी देखिए इसकी आधार 6 सेंटीमीटर है तो इसकी भी आधार कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये क्या है? सर्वांग सम है। ट्रेंगल ए बी सी बराबर क्या है? सर्वांग सम क्या है? ट्रेंगल पी क्यू आर, तो इसका एरिया भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसकी एरिया अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप बताइए ट्रेंगल पी क्यू आर की एरिया कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे कि अगर ट्रेंगल एबीसी की एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रेंगल पी क्यू आर की एरिया क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रेंगल एबीसी सर्वांग सम है ट्रेंगल पीक्यूआर। ये बात हम लोग जानते हैं कि ट्रेंगल एबीसी जो है सर्वांग सम है ट्रेंगल पीक्यूआर का, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, यहां पे मैं बना देता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है? यहां पे मैंने बना दिया एक ट्रायंगल और यहां पे मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, इसका आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका भी आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है? पी क्यू आर। इसकी जो है एक कोण दे रखा है 80 डिग्री, इसका भी एक कोण दे रखा है 80 डिग्री। अब आपको बताना है कि अगर ट्रेंगल एबीसी जो है, ट्रेंगल एबीसी का जो है एरिया दे रखा है आपको कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि ट्रेंगल पी क्यू आर का क्या एरिया होगा, बताइएगा। ये दो आकृति है आपके सामने, एक का दे रखा है ट्रेंगल का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रेंगल पी क्यू आर का क्या होगा एरिया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आकृति जो है सर्वांग सम है। क्या है? दोनों आकृति सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इसका आधार सेम है, इसका कोण सेम है, इसलिए दोनों आकृति क्या है? सर्वांग सम है। बातें समझ में आई? तो जब कभी सर्वांग सम होती है कोई आकृति तो उसका एरिया भी क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है, ठीक है? अब देखिएगा, अब देखिए यहां पे देखिए इस त्रिभुज का एरिया निकालिए, आप इस त्रिभुज का एरिया निकालिए। एरिया कितना होगा? 1/2 आधार यानी बेस गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दे रखा है? 6। ऊंचाई कितना दे रखा है? 4। 2 से 4 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। और 6 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस त्रिभुज का एरिया तो आपने निकाल दिया, अब इस चतुर्भुज का एरिया निकालिए। ये क्या है? एक आयत है, तो आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे रखा है? 4 गुने चौड़ाई कितना दे रखा है? 3। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इस त्रिभुज का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस चतुर्भुज का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मेरा एक सवाल है कि बताइए क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस चतुर्भुज का? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा चतुर्भुज का? सभी बच्चे बताएंगे नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि एरिया तो बराबर है, एरिया तो बराबर है, लेकिन इनका आकार बराबर नहीं है। यानी ये एक त्रिभुज है और ये एक चतुर्भुज है। तो मैंने क्या कहा था कि आकार और माप दोनों ही बराबर होना चाहिए। तो यहां पे आकार क्या है? अलग अलग है। माप तो बराबर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। यानी ये एक चतुर्भुज है और ये एक त्रिभुज है, इसीलिए क्या करेंगे कि ये सर्वांगसम नहीं होगा, शेप इक्वल नहीं है। सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? सभी बच्चों को क्लियर है कि शेप इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि ट्रेंगल एबीसी जो होगा सर्वांगसम नहीं होगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का, नहीं होगा। तो ये चीजें, नहीं का साइन क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है? तो ट्रेंगल एबीसी जो है सर्वांगसम नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर
इसका, ठीक है। अब एक सवाल का जवाब आप सभी लोग दे दीजिएगा, जल्दी से जवाब देंगे। क्या ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है? क्या ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है? भाई दोनों का एरिया भी बराबर दे रखा है, देखिए। तो फिर ये क्यों नहीं है सर्वांगसम? फिर ये क्यों नहीं है सर्वांगसम? बताएंगे आप लोग कि ये सर्वांगसम क्यों नहीं है, चैट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं है। अरे सेब तो दोनों का एक ही है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ऊंचाई अलग अलग है। हाइट क्या है इसकी? 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो है 4 सेंटीमीटर। इसका आधार जो है कितना है? 6 सेंटीमीटर, और इसका आधार क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसीलिए ये दोनों जो है सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि आधार और ऊंचाई अलग अलग है। तो अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसकी आधार ऊंचाई लंबाई सब बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया भी बराबर है, ये आकार भी सेम है, यानी ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, लेकिन इनकी जो लंबाई और आधार है अलग अलग है, इसीलिए ये सर्वांगसम नहीं है। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया कि ये दोनों सर्वांगसम नहीं है? ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब आप लोग चैट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं आपका पोल चैट सेक्शन जो है बंद करता हूं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, और सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जो है आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं पोल दे रहा हूं, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर ये दोनों सर्वांगसम होगा तो दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम होगा तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो आप केवल चेक कर लीजिए, क्या ये दोनों सर्वांगसम है? सर्वांगसम होगा तो क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सेकेंड, बहुत अच्छा। वेद प्रकाश जी कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें पता चल जाए कि ये दोनों ही सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसकी एक भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 3 सेंटीमीटर है। इसका एक कोण 70 डिग्री है, इसका एक कोण भी 70 डिग्री है। इसकी एक दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि इसका कोण, इसकी दो भुजा जो है बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? साइड एंगल, साइड से जो है ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यानी इसकी दो भुजा जो है साइड और साइड बराबर है, और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों ही सर्वांगसम है, यानी ट्रायंगल एबीसी जो है क्या है? सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इसका एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया क्या होगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अब हम यहां से पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नया चीज। तो देखिए अभी पीछे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखिए तो पहला क्लास अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। यहाँ पे हमने क्या सीखा था? किलोमीटर, मीटर,
सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इनको बदलना, कि मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर वगैरह सब बदलना हमने सीखा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल की इकाइयाँ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इनको आपस में बदलना सीखे थे हम लोग। इसके बाद हमने क्या सीखा था, 2D शेप क्या होती है, तो हमने देखा त्रिभुज, सर्कल, चतुर्भुज, ये सब क्या होती है, 2D शेप होती है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा था, क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये चीजें हमने पढ़ा था। फिर त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ा था, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उनकी सीमा को जोड़ देते हैं, उसकी जो भुजा होती है जोड़ देते हैं, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखे थे। फिर हमने किसी भी आकृति का सीमा क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये जाना था। इसके बाद हम लोगों ने समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना सीखे, फिर हम लोगों ने उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा, उसके बाद फिर हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे, उसके बाद हम लोगों ने वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज और परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा, उसके बाद जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में जाने, और आज और अभी हम लोगों ने सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर नया चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक याद है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3D से। अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़े थे वो सब 2D था, वो क्या था, सब 2D था, यानी उसमें या तो लंबाई होती थी या तो चौड़ाई होती थी, ठीक है, या तो उसमें आधार होता था या तो ऊंचाई होता था, ठीक है। तो हमने देखा किसी भी आकृति में सिर्फ दो ही डायमेंशन होता था, दो ही मान होता था, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, या तो आधार या तो ऊंचाई, यही दो चीजें हम लोग अभी तक पढ़े थे। लेकिन अब 3D में देखेंगे कि आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखाई देगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 3D क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। 2D क्या होता है, जिसमें या तो लंबाई हो या तो चौड़ाई हो, या तो आधार हो या तो ऊंचाई हो, यानी जिसमें दो चीजें दी गई हो, लंबाई, चौड़ाई, आधार, ऊंचाई, वो सब होते हैं 2D, ठीक है। लेकिन अगर किसी आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होता है, हम उसे कहते हैं 3D शेप। यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है, बहुत अच्छा। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 3D शेप होता क्या है। वह सभी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसे हम त्रिविम आकृतियां, 3D आकृतियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या है, एक क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है, यानी कि एक घन है, ठीक है। तो घन क्या होता है, एक 3D शेप है, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी यहाँ पे ऊंचाई दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे इसकी एक चौड़ाई भी दिखाई दे रही है, और साथ में यहाँ पे एक इसकी चौड़ाई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों चीजें दिखाई दे रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक 3D शेप है, त्रिविम आकृतियां है, ठीक है। इसके और कुछ एग्जाम्पल देखिए, देखिए तो घनाभ भी क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये लंबाई, ये देखिए इसकी चौड़ाई, और ये देखिए इसकी ऊंचाई, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, त्रिविम आकृति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई, यहाँ पे देखिए चौड़ाई, और ये वाला ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक होती है चौड़ाई, ये हो गया एक लंबाई, बातें समझ में आ रहा है, और ये जो इधर से अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा तो ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें यहाँ पे है, तो ये भी क्या है, 3D शेप है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया इसकी ऊंचाई, ठीक है, और एक ये अगर मैं यहां से लाइन एक खींच दूंगा तो ये हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चारों में है, कि इस चारों के चारों फोटो आपको याद रखना है 9th में, कि घनाभ, घन, शंकु और बेलन क्या होते हैं, 3D शेप होते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप्स होते हैं, त्रिविमीय आकृतियां होती है। क्या अब हम लोग, अच्छा एक दैनिक जीवन में देखिएगा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक फुटबॉल जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो ये क्या होता है, 3D, ये एक क्यूब है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये क्या है, इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। ये किताब को ध्यान से देखिएगा, किताब से आपको ज्यादा स्पष्टीकरण दिखाई देगा। देखिए ये क्या है, किताब की लंबाई है, ये क्या है, किताब की लंबाई है, और ये क्या है, इधर वाला जो ग्रीन कलर से कर रहा, ये ग्रीन वाला क्या है, ये किताब की चौड़ाई है, और ये जो ऊपर वाला मैंने खींचा अभी,
येलो कलर से मैं खींच रहा हूँ, देखिए ये वाला क्या है, किताब की मोटाई है, या मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पे ये लंबाई हो गया और ये किताब की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये बाल्टी में भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे देखिएगा बाल्टी की एक क्या होती है, ये चौड़ाई होती है, इसको अगर खींच दे तो इसके ये क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई हो जाएगी, कि बाल्टी कितना मोटा है, और ये एक इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो कुल मिला के ये सब 3D शेप है, ठीक है, ये सब 3D शेप है। तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इन चार आकृतियों में कौन सा आकृति जो है 3D शेप है। अभी अभी आपने सीखा था कि इसमें से कौन सा जो है 3D शेप है, कौन सी आकृति जो है 3D है, कौन सी आकृति जो है 3D है। सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन तो बने, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। तो अब आप लोग आसानी से पहचान पा रहे हैं कि ये क्या है, 3D शेप है, ठीक है। 3D शेप को कैसे पहचानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैं पोल को एंड करता हूं। समझते हैं, देखिएगा, समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या है, 2D है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी क्या है 2D है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं 2D है। यहाँ पे देखिए एक इसकी लंबाई दिखाई दे रही होगी, ये लंबाई हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चौड़ाई आप लोगों को, और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3D होगा। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, ठीक है। अब हम चलिए कुछ नया चीज पढ़ते हैं और वो है क्यूबॉइड। अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, क्योंकि 3D शेप तो आप समझ गए, तो घनाभ क्या है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, घनाभ 2D है या 3D है, चैट सेक्शन में बताएंगे, घनाभ 2D है या 3D है, घनाभ जो होता है, क्यूबॉइड जो होता है, वो 2D होता है कि 3D होता है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, क्या होता है, 3D होता है। बहुत अच्छा, मैं एक घनाभ का फोटो बनाता हूँ, आप लोगों को एक घनाभ का फोटो बना के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखेंगे, घनाभ का एक मैं फोटो बना रहा हूं, ठीक है। आपको भी घनाभ बनाना सीखना चाहिए, तो स्क्रीन पे देखिए, आपको पता चलेगा कि घनाभ बनता कैसे है। ये क्या है, एक घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है, और ये कौन सी आकृति होती है, 3D आकृति होती है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, ये क्या है, एक घनाभ है, और ये कौन सी आकृति है, 3D आकृति है। सभी बच्चों को क्लियर है, ये क्या है, एक 3D आकृति है। इसमें तीन चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये रेड लाइन को मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी लंबाई है, और ये ब्लू लाइन को मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी चौड़ाई है, और ये ऊपर वाली जो रेड लाइन है, ये वाली, इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो आपको क्या इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अब मैं आपको बोर्ड बंद करता हूं, और एक चीज इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में एक चीज है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। ये दिखाई दे रहा है, ये एक घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आगे की तरफ जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इसे इसका फेस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो ये चीजें आप आंखों से देख पा रहे हैं, सब इसके फेस है, ये सब क्या है, इसके फेस है, जितनी चीजें इसमें देख पा रहे हैं ना, सब इसके फेस है। तो अगर हमसे पूछेगा कि एक घनाभ में कितने फेस होते हैं, फेस को हिंदी में कहते हैं फलक, तो अगर हमसे पूछेगा कि ये क्या, इसके कितने फलक हैं, कितने फेस हैं, तो काउंट कीजिए कितने फेस है, कितने इसके दीवालों को हम देख पाते हैं। तो देखिए, पहला एक आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये एक हो गया, इसके जस्ट पीछे एक होगा, तो ये दो हो गया इसका फेस, एक ऊपर होगा ठीक है, एक नीचे होगा, चार हो गया, एक दाएं में होगा यानी लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा ठीक है। तो देखिए ऊपर नीचे दो गो, आगे पीछे दो गो, दाएं और बाएं दो गो, तो टोटल कितने हो गए, छह फेसेस हो गए। तो आपसे पूछेगा कि क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं, तो टोटल छह फेसेस होते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को लंबा, इधर देखिए एक फेस, इसके पीछे एक फेस दो, एक ऊपर तीन, एक नीचे चार, एक दाएं पांच, एक बाएं छह, टोटल कितने फेस, छह फेस। अब देखिएगा बोर्ड पे आप लोग, अब आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, तो ये आकृति आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो यही आकृति थी, यही वाली आकृति है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई देख पा रहे हैं, ये ऊंचाई देख पा रहे हैं, चौड़ाई देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बताइएगा फेसेस कितने होते हैं क्यूबाइड में, अभी अभी आपने पढ़ा था, कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। क्या फेसेस आपको सिक्स दिखाई दे रहे हैं चार सेक्शन में, बताइएगा क्या इसके छह फेसेस आपने देखा यहां से, तो कितने फेसेस हो गए, छह फेसेस हो गए। यानी फलक क्या बोलते हैं इसको, फलक बोलते हैं, कितने होता है, छह होता है। अब अगर बात करें इसके किनारों की, तो किनारे का मतलब क्या है, देखिए जिसे मैं डार्क करूंगा वो इसका किनारा होगा। तो देखिए ये मैं जिसे डार्क करूंगा ब्लैक से ठीक है, वो सब उसका किनारा होगा। तो ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, ये तीसरा किनारा हो गया, ये चौथा किनारा हो गया, ये पांचवा किनारा हो गया, ये छठा किनारा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां किनारा हो गया, ये नौवां किनारा हो गया, ये दसवां किनारा हो गया, और ये 11वां किनारा हो गया, और ये टोटल 12वां किनारा हो गया। तो कितने किनारे हैं सभी बच्चे बताएंगे, 12 किनारे हैं, 12 किनारे हैं, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ना कि 12 किनारे हैं, है ना 12 किनारे। अब देखिए इसके शीर्ष कितने हैं, शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है इसके कोने, इसे आम भाषा में कहते हैं कोन कितने हैं, कोने कितने हैं, कोने। तो देखिए कोना को गिनिएगा, मैं कोना को रेड करता हूं, एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, और एक ये कोना है, टोटल कितने कोने हो गए, चार। एक यहाँ पे कोना दिखाई दे रहा होगा, 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 तो टोटल कितने कोने हैं, आठ। कितने हैं कोना यानी शीर्ष यानी वर्टेक्स, कितने हैं आठ। अगर नहीं याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इधर देखिएगा, मैं अभी आपको इसको दिखाता हूं, इस पे आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। देखिएगा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये एक कोना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कोना ठीक है, एक कोना, दो कोना, माने अगर इधर से देखेंगे तो चार कोना दिखाई दे रहा है, एक दो तीन और चार कोना, आगे चार कोना होगा तो इसके पीछे वाले में भी तो चार कोना होगा, तो टोटल कितने कोने, आठ कोने हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, कहीं से भी गिनिएगा, आगे चार कोना है तो पीछे भी चार कोना होगा, तो इसी को कहते हैं इसका कोण वर्टेक्स ठीक है। तो सभी बच्चों क्लियर है, आप लोग अब पहचान पा रहे हैं कि किसे वर्टेक्स बोलते हैं, किसे किनारे बोलते हैं, किसे फलक बोलते हैं। क्या अभी आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं किसे वर्टेक्स कहते हैं, किसे किनारे कहते हैं, कैसे शीर्ष कहते हैं ठीक है। चलिए इसी चीज को यहां पे देखिए, अब बताइएगा कितने फलक हैं, आपको बताइए इसमें फलक कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, फलक सेम टू सेम कितने फलक हैं, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, छह फलक हैं, बहुत ही अच्छा, छह फलक या फेसेस कहिए। अब सभी बच्चे बताएंगे वर्टेक्स कितने हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, सभी बच्चे बताएंगे वर्टेक्स कितने हैं, ये कितने हैं टोटल, आठ। कितने हैं, आठ। सभी बच्चे बताएंगे किनारे, ये लाइन कितनी है, ये किनारा जो होता है ठीक है, ये कितनी है, किनारे इज कितने हैं, 12। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, फलक जो है सिक्स है, वर्टेक्स जो है आठ है, किनारे जो है 12 है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी बच्चे को क्लियर। अच्छा एक चीज और आप लोग डेफिनेशन देखिए कि फेसेस क्या होता है, घनाभ बहुभुज क्षेत्र यानी पृष्ठों से मिलकर बना है, जो उसके फलक है, यानी जो इसके सतह है वही इसके फलक है, जो इसके चेहरा को मान लीजिए कि क्या है, फलक है। कितने चेहरा दिखाई दे रहा है, एक, इसके पीछे दो, इसके ऊपर तीन, नीचे चार, दाएं पांच, बाएं छह, तो टोटल छह फलक हो गए, चेहरे हो गए ठीक है। और दो फलक आपस में एक रेखाखंड पे मिलते हैं, यानी ये जो फलक है जहां पे मिलते हैं उसी को किनारा बोलते हैं, यानी दो फलक जब आपस में मिलते हैं तो वो किनारा कहते हैं।
एक यहाँ पे मिल रहे हैं, एक यहाँ पे, तो टोटल किनारा कितना है, 12 है इर्ज, ठीक है। और इसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, जब तीन किनारे, जहां पे भी तीन किनारे मिलेंगे तो उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। अब ध्यान से बताएंगे क्या ये मिल रहा है, ये वर्टेक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फोटो में ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसे इमेजिन करेंगे तो ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार किनारे मिले तो चार वाला किनारा होता ही नहीं है, तीन किनारे वाले ही घनाभ में किनारा होता है, ठीक है। बात समझ में आया, तो वर्टेक्स हो गए कितने, चार। वर्टेक्स हो गए चार, किनारे हो गए 12 और फलक हो गए 6। सभी बच्चों क्लियर यहां तक? क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सो जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पोल सेक्शन में जाइए और मात्र 20 सेकेंड आपके पास समय है, 20 सेकेंड का समय है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है, अभी अभी बताया था कि इसके वर्टेक्स कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। मैं पोल को एंड करता हूं, अब आप जवाब दीजिएगा चैट सेक्शन में। देखिए अभी भी मैंने बताया वर्टेक्स क्या होता है, इसके कोण को क्या करना था, काउंट करना होता है। तो देखिए इसका एक कोण तो ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 17वां, ये 18वां, कितने हैं, 8 है। तो इसको आंसर क्या होगा, कितने शीर्ष होते हैं, 8। खत्म। एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, वाई टाइप कीजिए, तो एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, बताइएगा वाई टाइप कीजिएगा, एक क्वेश्चन और करें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी इसके आगे और करेंगे। तो इसमें जो आपको बताना है, इसमें जो आपको बताना है, क्या बताना है कि इसमें से, ठीक है, इसमें जो है ये रेड लाइन जो दिखाई, सॉरी ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, ग्रीन लाइन जो है ये क्या है, ये वाला आपको बताना है कि आखिर है क्या। ये जो देखिए हरे रंग से क्या दर्शाया गया, आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है। कहां पे जवाब देना है, पोल सेक्शन में जवाब देना है। सभी बच्चे कहां जवाब देंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर कितना है, 32। पोल सेक्शन में जाइए और मात्र 20 सेकेंड का समय है और आपको इसको जवाब देना है। 20 सेकेंड का समय है और इसको जवाब देना है कि ये हरे रंग से किस चीज को दर्शाया गया है, हरे रंग से किस चीज को दर्शाया गया है। अभी अभी काउंट करके बताया था, हरे रंग से किस चीज को दर्शाया गया है। दो तीन बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं इतनी इजी चीज को, पता नहीं कैसे। पंद्रह सेकेंड, टेन सेकेंड, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अच्छा एक बात बताइएगा, मैंने इसी को तो कहा था कि किनारा है, देखिए जिसे मैं डार्क करूंगा उसे काउंट करिएगा, वो सब इसके किनारे हैं। तो ये पहला किनारा दिख रहा है, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, ठीक है, ये तीसरा किनारा, ठीक है, और ये चौथा किनारा, ये पांचवा किनारा, ठीक है, ये छठा किनारा, ये सातवा किनारा, ठीक है, ये आठवा किनारा, ठीक है, ये नौवा किनारा, ये दसवा किनारा, ये 11वां किनारा, और ये जो अंतिम है 12वां किनारा। तो किनारे कितने होते हैं,
ट्वेल्व कितने होते हैं, ट्वेल्व किनारे कितने होते हैं, ट्वेल्व फेसेस कितने होते हैं, तो अभी मैंने काउंट करके बताया था ये एक, इसके पीछे दो, इसके ऊपर नीचे तीन, इसके एक नीचे चार, एक दाएं पांच, एक बाएं छ, तो टोटल फेसेस कितने हो गए, छह। शीर्ष क्या होता है, तो इसके कोनवा पे कितने हैं, तो एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, तो शीर्ष कितने हो गए, आठ। क्या आप ये सभी चीजों को समझना आ गया आपको, क्या सभी बच्चों को ये समझना आ गया, क्या सभी बच्चों को ये समझना आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए, दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चे हैं ये इतने पुराने स्टूडेंट हैं और पूछ रहे हैं कि पोल सेक्शन कैसे आता है, मतलब कि पुराने लोगों को भी पूछना पड़ेगा। दीपेंद्र पुराने स्टूडेंट है ना, सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्लास में, दीपेंद्र पुराने बच्चे हैं ना। देखिए मतलब ये सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं ना, उनको सब पता है, हमको भी पता है कि ये बदमाशी कर रहे हैं, कोई नहीं। चलिए तो अब हम आगे की चीजों को पढ़ते हैं, कि ये आपने सीख लिया कि ये क्या है, किनारा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्यूब। सभी बच्चे जान जान लीजिएगा क्यूब और क्यूबाइड में, यानी घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे एक घन बनाता हूं और एक घनाभ बनाता हूं, तो पहले मैं बनाता हूं एक घनाभ, जो आपने अभी अभी पढ़ा था, तो एक घनाभ बनाता हूं, ठीक है, एक घनाभ बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने एक घनाभ बना रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ये क्या है, एक घनाभ है, ये क्या है, एक घनाभ है। तो घनाभ में ये जो है क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, और ये वाला क्या है, इसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई जो होता है घनाभ में बराबर नहीं होता है, यानी लंबाई बराबर नहीं होता है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर नहीं होता है ऊंचाई के, तो यानी इसमें तीनों बराबर नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि अगर इस घनाभ का लंबाई बराबर हो जाए चौड़ाई का, चौड़ाई बराबर हो जाए ऊंचाई का, तो इसी लंबाई चौड़ाई जब बराबर हो जाता है घनाभ का, तो इसे हम कहते हैं घन, इसे क्या कहते हैं, घन। यानी अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया तो घन, अगर बराबर नहीं है तो घनाभ। क्या बात आपको समझ में आ रही है, कि अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है आपस में तो वो घनाभ है, अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो अब हम देखते हैं कि घन के कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि घन के और घनाभ में सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अंतर होता है, फलक किनारे शीर्ष सब बराबर होते हैं। यानी घनाभ में जितने फलक थे क्यूब में, यानी घन में भी उतने ही फलक होंगे, छे। घन में, घनाभ में जितने किनारे थे ट्वेल्व, इसमें भी होंगे ट्वेल्व, उसमें भी कितने वर्टेक्स थे, आठ, इसमें भी वर्टेक्स होंगे आठ। क्या आपको ये बात समझ में आया, अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है। यानी घनाभ में लंबाई बराबर नहीं होता है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर नहीं होता है ऊंचाई के, ना ही लंबाई बराबर होता है ऊंचाई के, ठीक है, लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे मैं एक घन बनाता हूँ, अब देखिए एक घन बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक घन बनाता हूँ, यहाँ पे सब लंबाई चौड़ाई जो होगा सब बराबर होगा, ऊंचाई सब बराबर होगा आपस में, ठीक है। क्यों बराबर बराबर होता है कोई बताएगा, कोई भी बच्चा बताना चाहता है, क्योंकि ये जो होता है घन जो होता है वर्ग से मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, वर्ग से मिलके बनता है, और वर्ग का सारे भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक घन है, ये क्या है, एक घन है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई बराबर है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर है ऊंचाई के, दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लंबाई बराबर नहीं है, चौड़ाई बराबर नहीं है, ऊंचाई बराबर, माने कोई आपस में बराबर नहीं है, लेकिन घन में जो है लंबाई के बराबर है चौड़ाई, चौड़ाई के बराबर है ऊंचाई, तो ये घन, ये घनाभ, सबके यही नाम होगा, इसके छह फलक, इसके बारह किनारे, इसके भी घन और घनाभ दोनों के ही यही संख्या होता है, याद रहेगा सभी बच्चों को। क्या सभी बच्चों क्लियर यहां तक, जल्दी से वाई टाइप कीजिए।
क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए एक घन का फोटो, ये है घन, तो इसके फेसेस बताइए कितने होंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे फेसेस कितने होंगे, सभी बच्चे बताएंगे फेसेस कितने होंगे, ये एक घन है तो इसके फेसेस कितने होंगे, छह। वर्टेक्स कितने होंगे, ये कोण जहां पे ये ब्लू कलर का कोण, कितने वर्टेक्स कितने होंगे, आठ। किनारे कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, किनारे कितने होंगे, किनारे हो जाएंगे 12। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, अगर डाउट है तो डी लिखेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं कहूं कि एक घना जिसकी, दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए आपको क्या डाउट है। दीपेंद्र नाम से जो भी बच्चा है, दीपेंद्र जांगरा, जो वो बच्चा जो है माइक ऑन करे और पूछे कि क्या डाउट है। आपने डी टाइप किया है, बताइए क्या डाउट है, माइक ऑन कीजिए और बताइए। इनको भी क्लियर है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि घन और घनाभ दोनों के शीर्ष, फलक और किनारे बराबर होते हैं, यानी घन में अगर आठ वर्टेक्स है तो घनाभ में भी आठ होगा, अगर घनाभ में छह फलक है तो घन में भी छह फलक होंगे, किनारे अगर घनाभ में 12 हैं तो घन में भी 12 होंगे। अंतर क्या होता है कि अगर किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाता है तो उसे हम घन बोल देते हैं। तो चलिए इसी बात पे पहला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। मात्र में समय दे रहा हूं 20 सेकंड का, सिर्फ 20 सेकंड का समय है, क्योंकि एक और क्वेश्चन करना है आपको। बताना है किनारे कितने हैं, अभी अभी मैंने बताया घन हो या घना हो किनारे दोनों में ही बराबर होते हैं, और गिन के भी दिखाया था, अब दिख भी रहा है, अभी काउंट कराता हूं आप लोगों को, सभी बच्चे करेंगे 15 सेकंड और। टेन, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें पूछा गया है किनारे कितने हैं, तो काउंट कीजिए, तो किनारे कितने हैं जल्दी से, मैं जिस पे लाइन खींचूंगा वो किनारा है। देखिए ये पहला किनारा आपको दिखा एक, ये दूसरा किनारा देखा तीन, दो, ये तीसरा किनारा तीन, ये चौथा किनारा चार, ये पांचवा किनारा पांच, ठीक है, ये छठा किनारा, ये सातवां किनारा, ये आठवां किनारा, ये नौवां किनारा, ये दसवां किनारा, ये 11वां किनारा, ये 12वां किनारा, तो कितने किनारे हैं, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। एक क्वेश्चन और करें जल्दी से, वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे जो हैं जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन और करते हैं, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मैंने आप लोगों को तो ये क्लास में ही बता दिया था, बहुत अच्छा।
इसके बाद भी कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं। और 20 सेकेंड, क्लास में बता दिया था ना, बता दिया था, अभी चैट सेक्शन ऑन करूंगा, बताइएगा। 10 यस सर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए आप लोग चैट सेक्शन बताइए, क्या ये क्लास के क्वेश्चंस नहीं है? मैंने उसी समय बताया था कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? घन कहते ओह हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। क्या सभी बच्चों क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। बहुत ही अच्छा। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए सभी बच्चे। और आज की क्लास में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। आज के क्लास का होमवर्क आप लोग जरूर नोट कर लीजिए।